देखिए इंग्लिश में एक शब्द है सेल्फ सस्टेनिंग। तो इस वीडियो में सेल्फ सस्टेनिंग का हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, आम बोलचाल में सेंटेंसेस में किस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो शब्द है सेल्फ सस्टेनिंग, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। मतलब होता है इसका कि एबल टू कंटिन्यू इन अ हेल्दी स्टेट विदाउट आउटसाइड असिस्टेंस, किसी बाहरी मदद के बगैर अपने आप को कायम रखना को हम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग। मतलब दूसरे की सहायता पर निर्भर ना रहने वाला आत्मनिर्भर को सेल्फ सस्टेनिंग बोला जाता है। तो हिंदी में अर्थ हुआ सेल्फ सस्टेनिंग का खुद पे भरोसा करने वाला, आत्मविश्वासी, अपनी शक्ति पर विश्वास करने वाला, खुद को सहारने वाला, अपने बल पर रहने वाला। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलक्टेंट, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ स्टैंडिंग, इंडिपेंडेंट एंड ETC। मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सेल्फ सस्टेनिंग शब्द को सेंटेंसेस में यूज़ करके और भी अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे बोलेंगे ही एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू बी फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग बाय 2024। मतलब उन्हें उम्मीद है कि कंपनी आर्थिक रूप से जून 2024 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी या होगी। दूसरा एग्जाम्पल है द न्यू टर्मिनल विल बी अ मॉड्यूलर एनर्जी एफिशिएंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग बिल्डिंग। मतलब नया टर्मिनल मॉड्यूलर ऊर्जा कुशल और आत्मनिर्भर इमारत बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सेल्फ सस्टेनिंग शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेटर डेस्क।